बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास फाइव। आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट टाइम बेटा हमने पढ़ा था इल्म की शमा, पूरा लेसन पढ़ा था। उसके हमने सवाल जवाब, मरकजी ख्याल और पैराग्राफ की हमने खाका इक्तबास की तशरीह भी की थी हवाले मतन के साथ। उसके बाद मैंने आपको वाहिद जमा अल्फाज मुतजाद मुजक्कर मोनस करवाए थे, इंतशाबा अल्फाज भी करवाए थे। आई होप सबने बेटा अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा। आज का जो हमारा लेसन है वो है कारवाने उर्दू का। पेज नंबर 109, कारवाने उर्दू। आज की जो हमारी नज़म है इसके शायर हैं अलामा इकबाल। नज़म का नाम है परिंदे की फरियाद। जैसा कि आप सबको मालूम है अलामा इकबाल जो हैं वो हमारे कौमी शायर हैं और अलामा इकबाल को मुफक्करे पाकिस्तान से भी याद किया जाता है। उनको मुफक्करे पाकिस्तान भी कहा जाता है। अलामा इकबाल ही की सोच थी कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन होना चाहिए जिस पर अमल कायद आजम की अंथक मेहनत और कोशिशों की वजह से हुआ। अलामा इकबाल ने बच्चों के लिए बहुत अच्छी और खूबसूरत नज़में लिखी हैं। आप सबने बेटा जैसे क्लास टू में, थ्री में, फोर में सबने अलामा इकबाल की बहुत सी नज़में पढ़ी हैं। आज जो हमारी नज़म है परिंदे की फरियाद बहुत ही खूबसूरत कलाम है ये अलामा इकबाल का। तारुफ पेज 109 कारवाने उर्दू। परिंदे की फरियाद। तारुफ अलामा इकबाल ने ये नज़म बच्चों के लिए लिखी है जिसमें परिंदों को कैद करने या उन्हें तंग करने से बाज रहना सिखाया गया है। इसके बाद हिस्से महकूमे हिंदुस्तान की फरियाद भी समझे गए। इस नज़म के जरिए आज़ादी की अहमियत और कदरों कीमत को भी वाज़ेह किया गया है। परिंदा अपनी आज़ादी के दौर को याद करके दुखी है और अपने कैद करने वाले से आज़ादी की दरख्वास्त कर रहा है। जी, अलामा इकबाल ने ये नज़म ख़ास तौर पर बच्चों के लिए लिखी है। इसमें शायर बता रहे हैं कि इस नज़म में क्या है। इस नज़म में परिंदों को कैद जो लोग करते हैं उन्हें या उन्हें तंग करते हैं उन्हें इससे बाज रहने के लिए बताया गया है कि वो ऐसा हरगिज मत करें। इसके अलावा इसकी नज़म के जो बाज हिस्से हैं उसमें हिंदुस्तान जो लोग जब पाकिस्तान वजूद में नहीं था आया, जब इंडिया और पाकिस्तान के यानी तमाम लोग जब इकट्ठे रहते थे तो वो उस खत्ते को नाम जो दिया गया था वो हिंदुस्तान था। उसमें जो हिंदुस्तान में लोग रहते थे मुसलमान उनकी फरियाद भी इस नज़म में बताई गई है। उस फरियाद की भी झलक है इस नज़म में। और इस नज़म के ज़रिए अलामा इकबाल ने आज़ादी की जो कदर और कीमत है उसको वाज़े किया है। परिंदा जो है वो अपनी आज़ादी के दौर को याद करके दुखी होता है और अपने जो कैद करने वाले लोग हैं उनसे अपनी आज़ादी की दरख्वास्त करता है। पहले बेटा मैं इस पूरी नज़म को पढ़ूंगी, उसके बाद बेटे इसके बंद के साथ साथ आपकी आखिर में तशरीह आपको करके बताऊंगी। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें वो सबका चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत वो कामनी सी मूरत
आबाद जिसके दम था मेरा आशियाना, आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफस में, होती मेरी रहाई ऐ काश मेरे बस में। क्या बदनसीब हूं मैं घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियां फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यही कफस में मैं गम से मर न जाऊं। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। गाना इसे समझकर खुश हो ना सुनने वाले, दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। आजाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेजुबा हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। हाँ जी बेटा, इसमें पहला बंद देखिए, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारी वो सब का चहचहाना, आजादियां कहाँ हो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, जन्म के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। प्यारी प्यारी सूरत वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके गम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफस में, होती मेरी रहाई ऐ काश मेरे बस। जी, इन अशार में शायर अलामा इकबाल हैं, वो बता रहे हैं कि मुझे वो जमाना याद आ रहा है, एक परिंदे की फरियाद बता रही है। इस बंद में परिंदा बता रहा है कि मुझको वो जमाना याद आ रहा है जब बाग की जो बहारें होती थी, यानी बाग की बहार क्या है, बाग की बहार से मुराद है जब बाग में हर तरफ फूल और कलियां चहकती महकती हैं, वो बाग की बहार होती है। और उसमें फूल और कलियां जब चहक फूल और कलियां जब महकती हैं तो उस पर परिंदे चहकते हैं। आपने देखा होगा बाग में जब परिंदे आते हैं वो बोलते हैं, उनकी खूबसूरत आवाज सुनाई देती है, तो वो परिंदे जो है वो बाग का जो खूबसूरती होती है उसको आकर वो देखकर चहचहाते हैं। और आजादी जो है वो अपने अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। कहते हैं परिंदे की खुशी इसी में है कि उसने अपना एक घोंसला बनाया होता है, अपना एक घर बनाया होता है, और उसको एक आजादी होती है, उसका जब दिल करता है अपने घोंसले में आता है, अपने घोंसले से फिर जाता है। कहते जी अब मुझे वो आजादी नसीब नहीं है, मेरे दिल पर ना एक चोट लगी हुई है, मुझे हर दम वो याद आता है क्योंकि मुझे अब किसी ने कैद कर लिया, मुझे पिंजरे में कैद कर लिया गया है, मेरे दिल पर एक इतनी गहरी चोट है मैं आपको बता नहीं सकता। शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना, कहते मुझे याद आता है जब जो कलियां यानी जो छोटे फूल होते हैं, जब फूल खिलने लगता है वो छोटा सा फूल, उसके ऊपर शबनम के जो कतरे गिरते हैं तो फूल मुस्कुराता है, मुस्कुराने से मुराद यानी वो कली मुस्कुराकर फूल बनती है। कहते हैं शबनम के कतरे इतने खूबसूरत कलियों पर लगते हैं और कलियां ऐसे लगता है जैसे बाग में मुस्कुरा रही हैं, उनकी वो जो प्यारी प्यारी सी सूरत होती है वो इतनी हसीन और नाजुक सी कलियां इतनी खूबसूरत लगती हैं। कहते हैं मुझे ऐसे लगता था कि उन्हीं के दम से मेरा ये आशियाना जो था घर था आबाद था, अब मुझे अपने इस कफस यानी पिंजरे में मुझे वो आवाजें सुनाई देती हैं, और मैं कहता हूँ कि काश मेरे अपने बस में होता तो मैं इस पिंजरे से इस कैद से रिहाई पा लेता।
कहता है मुझे वो तमाम जमाने याद आ रहे हैं। उसके बाद बेटे वो अगला बंद है, क्या बदनसीब हूं मैं घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ। आती बहार कलियां, फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूं। इस कैद का इलाही टुकड़ा किसे सुनाऊं, डर है यही कफस में मैं गम से मर न जाऊं। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। गाना इसे समझकर कुछ हो न सुनने वाले, दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। आजाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेजुबान कैदी तू छोड़ कर द्वार। इस बंद में शायर कह रही है कि मैं बहुत ही बदनसीब हूँ, परिंदा यानी कह रहे कि मैं बहुत बदनसीब हूँ। शायर अलामा इकबाल उस परिंदे की फरियाद हमें सुना रहे हैं। परिंदा कह रहा है कि मैं इतना बदनसीब हूँ, मैं इस पिंजरे में कैद हूँ, मैं अपने घर को तरस रहा हूँ और मेरा जो वतन है मैं अपने वतन से बिछड़ गया हूँ। मुझे अपने साथी, अपने वतन में जितने भी मेरे साथी थे, मेरे साथ रहते थे, वो सब मुझे याद आ रही हैं। मुझे अपने वतन की बहार और वो कलियाँ और फूलों की जो मुस्कुराहट थी सब मुझे याद आ रही है और मैं इस अंधेरी कैद में अपनी किस्मत को बैठ के रो रहा हूँ। फिर वो अल्लाह ताला से परिंदा फरियाद करता है, दुआ करता है और अल्लाह ताला को अपने दिल का हाल सुनाता है। कहता है कि या अल्लाह मुझे इस कैद से निजात दे दे। परिंदा फिर कहता है कि मुझे डर है कि मैं कहीं इसी कैद में, इसी पिंजरे में गम से ही ना मर जाऊँ। कहता है जब से मेरे, फिर परिंदा कहता है जब से मुझसे मेरा चमन छुटा है, चमन यानी परिंदों का, जो परिंदे जहाँ जा चाहते हैं बाग, चमन बाग कहते हैं। कहते जब मैं, जब से मेरा वो चमन से मैं दूर हो गया हूँ, बाग से दूर हो गया हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे गम जो है वो मेरा दिल को खा रहा है। और इस आप जो मेरी फरियाद है इसको कुछ गाना समझ कर खुश ना हो, ये मेरे दिल का हाल है, मैं अपने दिल का हाल आपको सुना रहा हूँ। मैं बड़े ही दुखे दिल से आपको ये फरियाद कर रहा हूँ, ये आवाज़ दे रहा हूँ कि मुझको जिसने भी कैद किया है और कैद करने वाले, मुझे इस कैद से रिहाई दे दे। मैं बेजुबान हूँ, मेरे मुंह में जुबान नहीं है, मैं बेजुबान परिंदा हूँ, मुझे तो आज़ाद कर दे और मुझसे दुआ ले। इसमें बेटा जो हिंदुस्तान का बताया गया है उसमें ये चीज़ बताई गई है इस नज़म में कि जब पाकिस्तान नहीं वजूद में आया था तो हिंदू और मुसलमान जो थे वो इकट्ठे रहते थे। पाकिस्तान के जो लोग हैं यानी जो अब मुसलमान हैं, अब आप लोग सबको पता है कि हमारा मजहब इस्लाम और हमारा रहन सहन हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हिंदुओं का जो मजहब है उसमें एक तो सबसे पहले उसकी पूजा करते हैं, बुतों की पूजा करते हैं, और दूसरा उनका जितने भी माशरती उनके रस्म व रिवाज है वो हमसे बिल्कुल टोटली मुख्तलिफ है। जब हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे रहते थे हिंदुस्तान में, तो उस वक़्त जो लोग मुसलमान थे वो हिंदुओं, हिंदू जुल्म भी करते थे मुसलमानों, वो जो मुसलमान लोग थे वो हिंदुओं के जुल्म सितम से और उनकी हर तरह की इस तरह बेजा पाबंदी से तंग आ चुके थे। इसमें उन लोगों की फरियाद भी अलामा इकबाल ने बताई है कि अब वो अल्लाह ताला से फरियाद कर रहे हैं कि हमें इस कैद से निजात दे दो, और बेशक अल्लाह ताला ने उन लोगों की फरियाद सुनी थी और हमें खूबसूरत वतन इस्लाम के नाम पर जो बना है पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने ये अता किया। आप सबको बेटे जैसे पता होगा कि पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पर बना है, ये क्यों बना है कि मुसलमानों को अपने इस्लाम के लिए, अपने मज़हब के लिए एक अलग से एक खत्ता चाहिए था जहाँ पर वो अपने दीन इस्लाम के सुरों के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजार सकें। तो
उस टाइम पर बेटा ये एक इस्लाम के नाम पर मुल्क बना था और हमारा मुल्क पाकिस्तान बना भी 27 रमजान मुबारक को था, जो इस्लामी तारीख है वो 27 रमजान मुबारक है। हम 14 अगस्त को अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं, लेकिन उस दिन इस्लामी लिहाज से 27 रमजान मुबारक को इस अल्लाह ताला ने हमें ये प्यारा मुल्क पाकिस्तान खास दिया था और हमारा मुल्क खास इस्लाम के लिए बना है, इस्लाम के नाम पर जिंदगी गुजारने के लिए ये मुल्क वजूद। इसमें उन लोगों की फरियाद भी शामिल है इस नज़म में जो लोग हिंदुओं के जुल्म व सितम से तंग थे। एक परिंदे की फरियाद है और उन मुसलमानों की फरियाद है। जी अब हम आएंगे एक्सरसाइज की तरफ। नए अल्फाज के मायने, पहला है मायने दिल पर चोट लगना, इसका मायने है बहुत दुख पहुंचना। शबनम के आंसू औस के कतरे, मुस्कुराना खिलना। कामनी हसीन और नाजुक, नूरत सूरत, सूरत यानी चेहरा। किस्मत को रोना बदकिस्मती पर दुख का इजहार करना। छुटना जुदा होना दूर होना। कफ्स पिंजरा, आशियाना घोंसला, दुखड़ा दुख भरी कहानी। अब जी बेटा हम आगे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, सवालों के जवाब। नज़म किसकी जुबानी बयान हुई है, अभी मैं आपको इसको ओरली बता रही हूँ, फिर हम इंशाल्लाह इसका कॉपी वर्क शुरू करेंगे। नज़म किसकी जुबानी बयान हुई है, ऑब्वियसली नज़म एक परिंदे की जुबानी बयान हुई है। जिस परिंदा बता रहा है जो कैद में है वो अपनी फरियाद सुना रहा है। सवाल नंबर दो, आज़ादी के दो फायदे। आज़ादी के दो फायदे बयान कीजिए। उसके बाद सवाल नंबर तीन, गुलामी के दो नुकसान, ये हम इंशाल्लाह कॉपी में ये काम करेंगे। सवाल नंबर चार, परिंदे को कैद में कौन कौन सी बातें याद आ रही हैं, इसका भी हम आंसर उसमें लिखेंगे। तो परिंदे को कैद में कौन कौन सी बातें याद आ रही हैं, बहुत सी बातें हैं जिसमें से चांद एक ये हैं, उसको अपना बाग में आज़ादी से घूमना फिरना याद आ रहा है, उसको कैद में अपने साथी याद आ रहे हैं, अपने मुल्क का अपना मुल्क याद आ रहा है, अपना वजन वतन याद आ रहा है, अपना घोंसला याद आ रहा है, बहुत सी बातें हैं जो उसको याद आ रही हैं, ये हम लिखेंगे। और सवाल नंबर पाँच, परिंदे को किस बात पर डर है। परिंदे को इस बात का डर है कि कहीं वो इस कैद में ही गम से ही ना मर जाए, उसको इस बात का डर है। वो अल्लाह से दुआ कर रहा है कि उसको अल्लाह ताला इस कैद से निजात दे दे, और डर इस बात का है कि कहीं वो इस कैद में ही गम से मर ना जाए। इस नज़म से आपने क्या पैगाम हासिल किया, ये आप लोग खुद मुझे बताएंगे कि इस नज़म से आपने क्या पैगाम आपको मिला। सबसे पहले तो जी आज़ादी का मेला है, बाकी आप लोग मुझे बताएंगे। आगे है जी नज़म को जुबानी याद कीजिए। सवाल नंबर तीन, इन अल्फाज का इस्तेमाल करके तीन सतूर की मरबूत इबारत तहरीर कीजिए। जी मरबूत इबारत क्या है, जैसे आप ये बॉक्स में देख रहे हैं आपको अल्फाज तहरीर किए गए हैं, इन अल्फाज को इस्तेमाल करके आप एक खूबसूरत सी इबारत तैयार करेंगे, यानी छोटा सा पैराग्राफ तीन चार लाइन। अल्फाज ये हैं, खुशी गम कैद बाग बहार फरियाद रिहाई आज़ादी गुलामी
आप लोग खुद भी ये इसकी इबारत तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला सवाल है, नज़म के पहले बंद की नसर बनाइए, यानी सवाल नंबर 4, नज़म के पहले बंद की नसर बनाइए। नसर क्या होती है? जो आपको ये बंद दिया गया है इसको बहुत आसान अल्फाज में लिखना है, इसको बहुत आसान अल्फाज में आपने उर्दू में लिखना है। जैसे एक बंद है तो उसको 3 से 4 लाइनों में हम लिखेंगे। सवाल नंबर 5, नज़म के दूसरे बंद की तशरीह शायर के हवाले के साथ कीजिए, ये भी इंशाल्लाह हम कॉपी में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बेटा हमारा काम आ जाता है कवायद का, साबके लहके। हमने जैसे पहले भी साबके लहके की तारीफें भी लिखी हुई हैं और हमने इस पर बहुत सा काम भी किया हुआ है, आप सबको ये बनाने भी आते हैं। साबके लहके साबका, बाज़ औक़ात किसी लफ्ज के शुरू में कोई अलामत लगाकर उससे एक नया लफ्ज बना लिया जाता है, उस अलामत को साबका कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, बाज़ औक़ात किसी लफ्ज के शुरू में कोई अलामत लगाकर उससे एक नया लफ्ज बना लिया जाता है, इस अलामत को साबका कहते हैं। मिसाल है जैसे करार से बेकरार, वजू से बावजू। अब जी इन मिसालों में बे और बा साबकी हैं। अब जी हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। खाने में दिए गए साबकों की मदद से अल्फाज मुकम्मल कीजिए। अब ये आपको खानों में दिए गए हैं बद, ना, खुश, गम, पुर, बे। अब इखलाक के साथ आप लगाएंगे खुश इखलाक। इखलाक के साथ आप लगाएंगे खुश इखलाक। नंबर 2 आप लगाएंगे वकूफ के साथ बे, बे बढ़िए बे, बेवकूफ। बेवकूफ के नीचे है जी जर्फ। अब ऊपर बॉक्स में देखें जर्फ के साथ क्या लग सकता है, कम। जर्फ के साथ लगेगा कम, कम जर्फ। अब आपको बेटा ये बता दूं कि ये जो ऊपर आपको बॉक्स में दिए हुए हैं ना 6 साब के, ये रिपीट भी हो सकते हैं नीचे, ठीक है। कम जर्फ। अब जी फितरत, जर्फ के नीचे है फितरत, फितरत के साथ आएगा बद, बद फितरत, फितरत के साथ आएगा बद फितरत। फितरत के बाद है जोश, जोश के साथ आएगा जी पुरजोश, पुर लगेगा जोश के साथ, पुर, पुरजोश। जोश के नीचे है समझ, जोश के नीचे है समझ, इसके साथ लगेगा ना, ना समझ। ना समझ। अब जी है नूर, नूर के साथ लगेगा पुर, ये बन जाएगा पुर नूर। इसके बाद है लाइक, लाइक के साथ लगेगा ना, ना लाइक।
उसके बाद है शकल। शकल के साथ लगेगा बद, बद शकल। इसके बाद है मिसाल। मिसाल के साथ लगेगा बे, बे बढ़िए बे, बे मिसाल। उसके बाद है जी नीचे तमीज। तमीज के साथ लगेगा बद, बदतमीज। उसके बाद है नीचे जोर। जोर के साथ लगेगा पुर, पुरजोर। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इसकी मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग चेक कर लीजिए। खुश इखलाक, पुर नूर, बेवकूफ, नालायक, कमजर, बदशकल, बदफितरत, बेमिसाल, पुरजोश, बदतमीज, नासमझ, पुरजोर। के बाद जी बेटा अगला पेज है, लहका। पहले हमने किया साप का, अब हम करेंगे लहका। लहका की जो है डेफिनेशन यानी तारीफ, जब कोई अलामत किसी लफ्ज के आखिर में लगा कर उससे नया लफ्ज बनाया जाए इसे लहका कहते हैं। मिसाल, समझ से समझदार, पान से पानदान। इन मिसालों में दार और दान लहके हैं। कि जब कोई अलामत या कोई लफ्ज के आखिर में जब हम उससे नया लफ्ज जो बन जाता है आखिर में उसके लगा कर उससे नया लफ्ज बन जाए उसे लहका कहते हैं। जैसे समझ के बाद हमने क्या लगा दिया, दार, एक नया लफ्ज बन गया समझदार। पान के साथ हमने लगा दिया दान, तो एक नया लफ्ज बन गया पानदार। इन मिसालों में दार और दान लहके हैं। अब जी एक्सरसाइज देखें इसकी। खाने में दिए गए लहकों की मदद से अल्फाज मुकम्मल कीजिए। अब जी इसमें है मंद, नाक, फरोश, याफ्ता, दान और दार। अब जी इसमें बेटे देखिए बॉक्स में नीचे दुकान के साथ लगेगा दार। दौलत के साथ लगेगा मंद, दौलतमंद। दुकानदार दौलतमंद। के बाद है साइंस। साइंस के साथ लगेगा दान, साइंस दान। फिर है जी अकल। अकल के साथ लगेगा मंद, अकलमंद। फिर है तरक्की। तरक्की के साथ लगेगा याफ्ता, तरक्की याफ्ता। उसके बाद है सब्जी। सब्जी के साथ लगेगा फरोश, सब्जी फरोश। फिर है जी गुल। उनके साथ लगेगा फरोश, गुल फरोश। के बाद है मोहल्ले। उसके साथ लगेगा दार, मोहल्लेदार। फिर
फिर उसके बाद है खौफ, इसके साथ लगेगा नाक, खौफ नाक। फिर है शोहरत, इसके साथ लगेगा याफ्ता, शोहरत याफ्ता। उसके बाद है खतर, इसके साथ लगेगा नाक, खतरनाक। फिर है जी हवा, उसके साथ लगेगा दार, हवादार। रिपीट कर रही हूँ, आप लोग चेक कर लीजिए। दुकानदार, दौलतमंद, साइंसदान, अक्लमंद, तरक्की याफ्ता, सब्जी फरोश, गुल फरोश, मोहल्लेदार, खौफनाक, शोहरत याफ्ता, खतरनाक, हवादार। हवादार। अब आपकी स्क्रीन पर ये है, अब आप इसको कंप्लीट कर लीजिए।
स्टूडेंट्स बेटे एनी क्वेश्चन डिड यू कंप्लीट ऑल एक्सरसाइज प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास मारिज मनाहित यशद बेटे टर्न ऑन योर कैमरास यशद बेटे एनी क्वेश्चन नो टीचर मनाहित बेटे आपने कोई क्वेश्चन करने नो टीचर ओके जी मारिज बेटे यू टर्न ऑन योर कैमरा मारिज मारिज बेटे टर्न ऑन योर कैमरा ओके फाइन बेटे अब देखिए बेटा अपना होमवर्क देख लीजिए आप क्लास फाइव आपने बेटा आज हमने जो नज़म पढ़ी है कारवाने उर्दू परिंदे की फरियाद ठीक है इसके जो बेटे अल्फाज मायनी है वो आपने बेटा अपनी नीट कॉपी में लिखने हैं और लर्न करने हैं ठीक है ओके टीचर ओके बेटा अब जी बेटे ये है इसके अलावा आपने बेटा अपना प्रीवियस काम किया निश्चित आपका सारा कंप्लीट हो गया नो टीचर थोड़ा सा क्या रहता है यशित आपका जी मेरा भी थोड़ा सा रहे आपने कोई बात नहीं बहन जब बताइए इजी होके बताइए आपका कहाँ तक आपने कर लिया है लास्ट लेसन कहाँ तक आप पहुँचे हैं पीछे बस एक चैप्टर रह गया कौन से वाला बेटी कौन सा रह गया लेसन इल्म की शमा बेटा वो कर लीजिए मैंने आज इसीलिए कम काम दिए ताकि आप लोग अपने काम कंप्लीट कर लें ठीक है मनाहित बेटे कैमरा ऑन कीजिए ओके मनाहित बेटे आप बताइए आप कौन से लेसन पर हैं सच बताइए कोई बात नहीं बताइए इजी हो तो बताइए बेटे अपना माइक अनम्यूट कीजिए मनाहित मेरा भी इनकी शमा इससे सारा मुकम्मल है आपका यस टीचर बी कॉपी का काम वो भी हो गया टीचर आप लोगों को बेटा काम में किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो ठीक है तो आप लोग बेटा मुझसे डिस्कस कीजिए मेरी अब कोशिश है कि स्कूल आने तक इंशाल्लाह आप लोग तमाम अपना पिछला काम मुकम्मल करके आए ठीक है इसीलिए थोड़ी सी स्पीड स्लो की है ठीक है बेटे अब आज भी आपको सिर्फ अल्फाज मायने लिखने के लिए दिए हैं तो इंशाल्लाह आपका पीछे वाला लेसन भी मुकम्मल हो जाएगा ठीक है आपने ये बुक वर्क किए जो मैंने आज करवाया मनाहिद यशद बेटे जो आज मैंने बुक वर्क करवाया ये आपने किया बेटे ऐसे कीजिए ये जो मैंने आज काम करवाया है ना ये कवायद वाले पेज पे बेटा आज की डेट एंड डे डाल लीजिए डेट एंड डे आज का डाल लीजिए ठीक है अब आपकी स्क्रीन पर ये काम है इसको मुकम्मल कर लीजिए